ये देखो गाइस, ये सेटअप है और अंधेरा करके मैं वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे इतना बिरयानी बच गया है, मेरा भाई, मम्मी और सब लोग खाने वाले हैं। पूरा आज सब दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, यहाँ से यहाँ से। हेलो गाइस, सो गाइस अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा लेट उठी हूँ और अभी मैं वर्कआउट करूंगी, मेरी मैम भी आएगी। तो आज मेरा शूट है और बहुत सारी चीजें हैं, मम्मी बनाने वाली है और आज कोई रेसिपी मम्मी नहीं देगी स्पेसिफिकली, पर आज मम्मी क्या क्या काम कर रही है दिन भर और मेरे लिए क्या क्या बनाएगी, एकदम मस्त मेन्यू है आज का। तो आज का दिन मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मम्मी क्या क्या करती है मेरे लिए, कितना मेहनत करती है। चलो किचन में जाके देखते हैं मम्मी सुबह सुबह क्या क्या तैयारी कर चुकी है इतने देर में। मतलब मेरे उठने से पहले तो मम्मी का आधा काम हो ही जाता है। चलो देखते हैं कि मम्मी क्या क्या तैयारी कर चुकी है और क्या क्या कर चुकी है और क्या क्या बनाने वाली है। सो गाइस देखो, यहाँ पे जोरों शोरों से काम चालू है। तो राइस देख के आपको पता चल रहा होगा कि आज क्या बनने वाला है, बिरयानी। तो आज बिरयानी बनने वाला है मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं राइस बना लेती हूँ ताकि राइस एकदम खुला खुला हो जाता है, जितना रेस्ट होगा उतना अच्छे से फिर बिरयानी में दम देने में मजा आएगा। और चिकन बनाऊंगी, चिकन टिक्का बिरयानी, मैडिस के मकबंग पे चाहिए तो वही लिस्ट आया मेरे सामने आज। तो चिकन भी धोके रेडी कर लिया और ये काली जी करी बनेगा। तो गाइस बाकी बहुत सारी चीजें बनने वाली हैं आज, तो एक एक करके मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो काम चल रहा है, एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि क्या बनने वाला है। और एक चीज स्पेशल मैं दिखाती हूँ, ये बनाया कल मम्मी ने, निमकी बोलते हैं इसको बंगाली में। ये देखो एक डब्बा बना के रखा है हमारे लिए, तो ये हम रख रख के खाने वाले हैं, पता नहीं कितने दिन रख रख के खाएंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये हम लोगों को। सो गाइस मेरा एक्सरसाइज अभी हो गया है और मैं नीचे आई देखने के लिए कि क्या क्या बन रहा है। ये देखो रंजना आंटी नहीं दिख रही, ये देखो रंजना आंटी भी कुछ 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 मम्मी को हेल्प कर रही है। और अभी क्या बन रहा है, अभी एक एक बन गया है काली जी करी, वो देखो चिकन करी बनेगा। ये देखो गाइस ये बन रहा है चिकन कलेजी करी, स्पाइसी स्पाइसी एकदम। और यहाँ पे बिरयानी की तैयारी चल रही है, उसके पहले चिकन करी भी बनेगा, फिर चिकन टिक्का बनेगा जिससे बिरयानी बनेगी। तो आज मैं आप लोग को ए टू जेड सब कुछ दिखाने वाली हूँ के क्या बनने वाला है, क्या मम्मी बना रही है। ये देखो रंजना आंटी मिर्ची छाट रही है यहाँ पे और बहुत काम चल रहा है। मेरी मम्मी का आज दिखाऊंगी कि मम्मी कितना सुबह से मेहनत करती है, तभी जाके एक वीडियो बनता है ना। आप लोग देखो, मैं थोड़ी देर बाद फिर से आके फिर से अपडेट देती हूँ आप लोगों को कि बन क्या रहा है। बिरयानी बनाने के लिए मम्मी को पुदीना चाहिए, तो हमारे घर की खेती है, देखो मम्मी ने बना रखा है किचन के पीछे, किचन गार्डन, ये किचन रहा। और ये देखो फ्रेश पालक बन गया और पुदीना बन गया, पपीता भी मैंने लगा दिया और ये ड्रम स्टिक की भी और ये पम्पकिन की भी, देखो आ जाएगा मस्त मस्त। और बैंगन देखो मेरा, ये बैंगन का पेड़ है, वाओ बैंगन भी आ गया। यस, करी पत्ता और पुदीना मैंने उधर भी लगा दिया और पालक ना खूब सारा लगा दिया, उठा के एक बार खाएंगे और लगाएंगे। ये भी बैंगन की है और मिर्ची देखो, वाओ लाल लाल रेड रेड हो गया, रेड रेड हो गया। हाँ ये टमाटर की है, चेरी टमाटर आएगा इसमें। ये भी पालक की, पुदीना कहाँ है, ये पुदीना है। हाँ पुदीना मम्मी ले लेगी यहाँ से और फिर बिरयानी में डालने वाली है, ये देखो। तो गाइस अभी शाम हो गया है और अभी तक मेरी चीजें बन रही है, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। मम्मी अभी तक बना रही है, शाम हो गया है सुबह से, तो अभी आप लोग देखो क्या बन रहा है। ये देखो गाइस, तो चिकन टिक्का बिरयानी बनने वाला है, तो उसी वजह से टिक्का बन रहा है चिकन का। ये देखो मैंने बोला मम्मी जाओ आप थोड़ा नहाने जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं करती हूँ, पर मम्मी बोल रही नहीं नहीं मैं करके ही जाऊंगी। तो अभी देखो ये चिकन फ्राई हो जा रहा है और ये एक बैच हो गया और एक बैच हो रहा है। और यहाँ पे मम्मी बेरिस्ता के लिए ऑनियन काट रही है, बेरिस्ता बन चुका है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बेरिस्ता बन चुका है, ये चिकन टिक्का करी के लिए, ये चिकन टिक्का करी के लिए बन रहा है, सॉरी कट रहा है
क्योंकि सारे लोग चले गए, रंजना सब लोग लंच करके थोड़ा बहुत काम करके वो लोग घर चले गए। हाँ अभी सारा काम मम्मी के ऊपर ही है, ये देखो कितना काम कर रही है। तो मैं ये थोड़ा हिला लेती हूँ, पलट पलट के ट्राई कर, हाँ पलट पलट के ट्राई करूँगी। सो गाइस मम्मी नहाने चली गई है, फ्रेश होने चली गई है, तो मैं यहाँ पे मम्मी ने बोला है कि इसको पलट पलट के फ्राई करना है, तो बहुत टाइम लगने वाला है इसको फ्राई होने में, तो मैं वही कर रही हूँ कि इसको देख रही हूँ कैसे फ्राई हो रहा है और पलट पलट के फ्राई कर रही हूँ। गाइस ये देखो मैंने फ्राई कर दिया है और अब मैं इसको एक एक करके यहाँ पर डाल दूँगी। मम्मी अभी तक आई नहीं, मम्मी आ जाएगी अभी, तो मम्मी ने जितना बोला था उतना तो ये फ्राई हो गया है। गाइस देखो मम्मी आ गई है फ्रेश होके, और ये मैंने फ्राई सही से किया ना, एकदम बड़ा पर बहुत अच्छा किया। और यहाँ पे मसाला बना रही मम्मी, ये बन के रेडी हो चुका है अभी, गैस बंद करूंगी और फिर लेयरिंग करूंगी। तो गाइस सब कुछ हो गया है, सारी चीजें बन गई है, ये देखो दम बिठा दिया है मम्मी ने। हाँ जैसे कि हर बिरयानी की रेसिपी में कैसे मैं लेयरिंग करती हूँ मेरे चैनल पे दिया हुआ है, चेक कर लेना, खास करके चिकन टिक्का बिरयानी के भी दिया हुआ है। तो वैसे ही मैंने लेयरिंग दे दिया और अभी दम पे बिठा दिया, 25 मिनट मैं दम पे रखूँगी। अभी पहले फुल फ्लेम पे रखा, फ्लेम को मैं स्लो करूँगी मीडियम करके, 25 मिनट दम लेंगे। और फिर लास्ट में एक ही चीज़ बचेगा, रायता बनाना है, तो वो मैं बना लूँगी। तो बस हो गया, फिर मैं वीडियो बनाने बैठूँगी, ये खुलने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो मम्मी अभी खोलने वाली है बिरयानी को। हाँ 25 मिनट दम पे रखा था, तब तक हम लोग बैठ के मस्त कॉफी वॉफी पी लिया। अब आया बिरयानी को चेक करने, ये सबसे मस्त पार्ट लगता है मुझे बिरयानी को ओपन करने वाला। वाह क्या स्टीम बना है अंदर, हाँ देखो कैसे धुआं आ रहा है, मस्त स्टीम बन गया अंदर। वाह और बिरयानी तो मस्त बनेगा ही। हाँ बहुत अच्छा बना, बहुत मस्त बना। सो गाइस देखो अभी मैंने सारा कुछ प्लेटिंग कर लिया है और अपने आप को भी सजा लिया है। ये सब माइंड मत करना क्योंकि मेरे स्टूडियो में मम्मी ये सब रख देती है, पता नहीं क्यों तकिया वगैरह सब रख देती है क्योंकि ये खाली रहता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आज आपको मेरा पूरा सेटअप। ये देखो गाइस ये सेटअप है, और अंधेरा करके मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरे लाइट्स का फोकस रहे। तो मैंने प्लेटिंग कर लिया है, ये देखो ये मैंने थोड़ा यूनिक स्टाइल में प्लेटिंग किया है। अभी मैंने ये अंडे को फ्राई किया है हल्दी लगा के, मिर्ची पाउडर लगा के, नमक लगा के, तो इसको मतलब मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए चिकन कलेजी जो मम्मी ने बनाया था उसमें मैंने डाल दिया है, और ये चिकन करी तो मम्मी ने बनाया ही था। और ये रहा रायता, ये रायता मैंने अभी बनाया, और ये देखो मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आप लोगों को पता ही है ताकि हाइट मैच हो। और ये रहा मेरा फ़ोन जो लगा हुआ है, माइक वगैरह अभी तक लगा नहीं है। ये देखो मैंने बिरयानी भी सजा लिया है ऐसे करके, आज मैंने राउंड प्लेट में नहीं लिया पहली बार, आज मैंने ओवल प्लेट में लिया है ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे इतना बिरयानी बच गया है, मेरा भाई मम्मी और सब लोग खाने वाले हैं, और ये मैं शूट के लिए ले रही हूँ। तो चलो ये लेके जाते हैं, ये एक्चुअली ना थोड़ा भारी हो गया है और मैं बहुत क्लम्जी हूँ, सारी चीज़ें गिरा देती हूँ, तो मेरा भाई ही इसको उठा के ले जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए और इसको उठा के स्टूडियो में ले जाए। सो गाइस ये देखो सारा सेटअप हो गया है, ये बिरयानी मेरे भाई ने, आपको मेरा भाई दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं नहीं दिखता लाइट के पीछे से कोई। तो ये देखो सारी चीजें यहाँ पे सेट कर ली है, आज मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया है। ये ग्लास कितना क्यूट है ना, आप लोग बताना, ये ग्लास मैंने ऑर्डर किया था और मुझे तो बड़ा क्यूट लग रहा है। तो ये सब देखो सेटअप हो गया है, और मेरा वीडियो जरूर देखना, और आप लोगों को ऐसे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं इसलिए मम्मी मुझे बोल रही थी कि ऐसा वीडियो बना दे। तो ये आप लोगों के लिए मेरा सेटअप
मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को पूरा पूरा। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियो, मेरा भाई वहाँ पे खड़ा है और ये देखो फिर से दिखा रही हूँ, दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। तो अभी माइक लगाने वाली हूँ और स्टार्ट करने वाली हूँ। ये देखो यहाँ से कैसा दिखता है वो भी दिखा रही हूँ, ये देख लो पूरा आज सब दिखा दे रही हूँ आप लोगों को यहाँ से यहाँ से। ओके गाइज, तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मम्मी के चैनल पे, बाय।